हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वेरिएंट वायरस के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली आपने बहुत सारी इन्फेक्शन इससे होती हुई देखी होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना कि मैम ये तो 3 दिन पुरानी न्यूज़ हो गई, बिकॉज करंट अफेयर में जब आपको प्रीलिम्स में सवाल आएगा, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये 2 दिन पहले का न्यूज़ था या 1 दिन पहले का न्यूज़ था। पूरे साल का या 1.5 साल का कवर करना है आपको। सो एनी न्यूज़, बिकॉज वी आर नॉट रिपोर्टिंग न्यूज़ हियर, वी आर कवरिंग टॉपिक्स फॉर एग्जाम। सो वेदर दे आर 2 days लेट, 10 days लेट और 20 days लेट, इवन 1 month लेट, तो वो लेट नहीं है, राइट। सो दिस इज हेयर यू कैन नो अबाउट मी। हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा सब टाइप ए H3N2 मेजर कॉज है इस टाइम जो आप देखेंगे। मेरे आगे पीछे मैं खुद बताऊँ, मेरे घर में एक कुक आती हैं, उनको हो गया, मेरी एक कज़न को हो गया, आगे पीछे जान पहचान में 3-4 लोग आई हैव रिसेंटली सीन जिनको ये वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न जो आपको बहुत ज़्यादा लोग अभी बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे कि जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक है। तो ये ICMR ने वार्न किया है। अब एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैसे होता है कि किस फ्लू क्यों हो रहा है, देन जो वायरस से हो रहा है, वेदर दैट इज़ अ DNA वायरस और RNA वायरस, ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो साइंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि क्यों इन्फ्लुएंजा वायरस पे एक तरफ से हमने कंट्रोल पा लिया था, व्हाई दे आर राइजिंग अगेन, है ना। मेंस के हिसाब से ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल गाइडलाइंस निकाली गई हैं कि जो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के दवाई खाएं। ऐसे अंधाधुंध आप दीज एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स मत लें क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेस के खिलाफ हैं, ना कि वायरल डिजीजेस के खिलाफ, राइट। तो उनको अगर आप बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो क्या होगा, राइट। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड ऑब्वियसली जनरल हेल्थ ऑल्सो। अब ये सडन इंक्रीज आप इन्फ्लुएंजा केसेस में देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और कोविड से अभी हम बाहर पूरी तरीके से भी नहीं आए हैं। अब ये जो नई वेव आई है इसमें आपको डेथ्स होती हुई नज़र नहीं आ रही है, किसी की जान नहीं जा रही है, हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रही हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, 2-3 हफ्ते के लिए बीमार रह रहे हैं। ब्लड सैंपल्स जब पेशेंट का चेक किया जा रहा है तो वो कोविड के लिए तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट फर्दर जब उसका सीक्वेंसिंग हुआ तो पता चल रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं ये सर्कुलेट कर रहे हैं, जैसे एडिनो वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया। ICMR की फिगर्स की माने तो H3N2 ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस का एक किस्म है, उसकी टाइप है जो कि लास्ट 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्फेक्शंस ग्लोबली हो रही हैं। अब यूजुअली ये हुआ कि कोविड के टाइम में हमने देखा कि लोगों को ना इन्फ्लुएंजा होना कम हो गया, कोविड ज़्यादा हो रहा था, इन्फ्लुएंजा नहीं हो रहा था। अब इन्फ्लुएंजा नहीं हो रहा था तो लोगों की इम्यूनिटी जो है इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वो गिर गई, वो कम हो गई। कम होने की वजह से अब इन्फेक्शंस कैच कर रहे हैं लोग। सो दिस इज़ द रीज़न, लॉस ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी कम हो गई क्योंकि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कम थी कोविड-19 के दौरान, तब ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं हो रही थी। सो आई विल रीड दिस लाइन फॉर यू। लॉस ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी फ्रॉम लोअर रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। किसी चीज़ का इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो हमारी बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है उसके खिलाफ, लेकिन जब इन्फेक्शन का रेट कम हो गया था तो इम्यूनिटी भी कम हो गई। तो यहाँ पे मैं 2 वायरसेस को कंपेयर कर रही हूँ, वन इज H3N2 और H1N1। ये बहुत फेमस है जिसको आप एज स्वाइन फ्लू जानते हैं, ठीक है। और स्वाइन फ्लू H1N1 ज़्यादा खतरनाक है। H3N2 वीकनेस कर रहा है, बीमार कर रहा है, ज़्यादा सा 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, बट किसी की जान नहीं ले रहा, मेजरली किसी की जान नहीं जा रही। लेकिन H1N1 लीथल है, वो पोटेंशियली लीथल है, वो जान भी ले सकता है। अब जिन लोगों की उम्र 75 से ऊपर है या ऑलरेडी उनको और बीमारियाँ हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो रही है, सीवियर डिजीज़ हो रही है क्योंकि उनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है और उनको फिर ICU केयर की ज़रूरत पड़ रही है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे स्वाइन फ्लू के केसेस 13,202 रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से 410 लोगों की जान भी चली गई थी। अगर आप H1 12 पीपल डाइड इन 21, तो 2 साल का डेटा इन्होंने कंपेयर किया है। 2021 में कम लोगों की जान गई थी H1N1 से, लेकिन लास्ट ईयर 2022 में ज़्यादा लोगों की जान गई है। लास्ट मंथ 31 जनवरी तक 451 केसेस 9 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये 31 जनवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, तो डेटा इस हिसाब से है। 2021 में सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई थी स्वाइन फ्लू से, 2022 में 410 लोगों की डेथ हुई और 2023 आते आते अभी एक महीना ही हुआ है, तो आप जनवरी तक के डेटा में अगर देखेंगे 9 लोगों की जान चली गई है। तो दैट मीन्स केसेस हैव इंक्रीज्ड। तो अभी फिलहाल फ्लू का अलर्ट है। सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? फीवर हो रहा है, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन्स, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया। तो इसलिए कहा जा रहा है सेम वही प्रिकॉशंस जो आप कोविड के टाइम लेते थे। हाथ अच्छे से धोएं, ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क पहन के जाएं, अपनी आँख और नाक को बार बार टच ना करें, पैरासिटामोल लें, ठीक है। बॉडी एक अगर हो रही है और फीवर हो रहा है, और एंटीबायोटिक्स डॉक्टर से पूछे बिना तो बिल्कुल मत लें। क्योंकि उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है, और अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आने वाले समय में इंक्रीज होता गया तो लोग छोटी छोटी बीमारियों से मरने लग जाएंगे। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, किसी को बुखार भी होता था तो डेथ हो जाती थी, राइट, क्योंकि दवाइयाँ नहीं थी। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उस पर दवाइयों का असर नहीं होता। ओके, तो उस वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। कमिंग टू इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे असर करती है, ठीक है। और ये एक दूसरे से फैला जा सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। आप जो इंसान बीमार है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो बीमार हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, मतलब कंटेजियस है। दिस इज़ इन्फ्लुएंजा। सो अब बहुत विरुलेंट इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स भी हमने देखे हैं, पैंडमिक्स भी कर सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। जैसे एवियन फ्लू 1997 में आया था, स्वाइन फ्लू से बहुत लोगों की जान 2009 में गई थी। सो ये जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ध्यान से देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो ये आपका एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि ये आरएनए वायरसेस हैं, दैट टू सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स जो हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गए, उन पे असर करता है, ठीक है। तो दिस इज द इन्फ्लुएंजा। तो कितने टाइप्स के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं? तो 3 टाइप्स आरएनए वायरसेस की 3 किस्में हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी। तो तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं, बिलोंग टू द फैमिली नहीं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग नहीं करती, अलग अलग सब टाइप्स हैं। फैमिली है ऑर्थोमाइक्सोविरिडे, ठीक है, ऑर्थोमिक्सोविरिडे। सो डिजीज को फ्लू कहा जाता है, हम लोग उसको फ्लू बोलते हैं। ए या बी से हो रहा है, ए और बी क्या है? ये सब टाइप्स हैं, और आगे सब टाइप्स के सब स्ट्रेन्स होते हैं, और बहुत सारे स्ट्रेन्स इन्फ्लुएंजा वायरसेस के पाए जाते हैं। सो यू कैन जस्ट हैव सी, अगर इन्फ्लुएंजा ए वायरस है तो H1N1, H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, यानी ये स्वाइन फ्लू से काफ़ी क्लोज है जो H3N2 है। दोनों इन्फ्लुएंजा ए हैं। इन्फ्लुएंजा बी में आपका अलग लीनियेजेस आती हैं, ठीक है। अब ये क्लाड्स आगे 6B.1, फिर सब क्लाड 6B.1A, मतलब और टाइप्स के टाइप्स, ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, जो टाइप ए वायरस होते हैं वो लोगों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको इन्फेक्ट करते हैं, और नेचुरल होस्ट भी होते हैं ये इनके। फ्रैक्शनल इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप्स कुछ ऐसे हैं जो अभी लोगों में फैले हैं। हर इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस अभी तक लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया, कुछ हैं। इन्फ्लुएंजा बी जो वायरसेस हैं, ये भी बहुत सारी बीमारियां करते हैं, लेकिन ये पैंडमिक नहीं फैला सकते। इन्फ्लुएंजा सी वायरस अगेन डिफरेंट है ए और बी से, अगेन दे कैन नॉट कॉज, ये एपिडेमिक्स भी कॉज नहीं कर सकते। सो जिस तरह से नाम दिया जाता है ना किसी वायरस को, कैसे, जैसे अगर एक वायरस है ए सिडनी 0597 H3N2 का जो नाम है, ठीक है, तो ए वायरस का टाइप है कि इन्फ्लुएंजा ए है। सिडनी मतलब यहाँ से इसको आइसोलेट किया गया पहली बार, 05 ये इसका स्ट्रेन का नंबर है, 97 कि पहली बार इसको हमने कब पहचाना था, आइसोलेट किया था 1997 में, तो H3N2, ठीक है। इसी तरह की से ए फ्यूजियन 411 2002 ये H3N2 का नया वायरस है। तो ये वायरस टाइप, ज्योग्राफिक ओरिजिन, स्ट्रेन नंबर, कौन से ईयर में इसको आपने अलग किया, वायरस का सब टाइप क्या है, इस हिसाब से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। दिस इज अ नेमिंग थिंग। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो अगेन आई वुड से इनको ओसेल्टामिवीर, जानमवीर, पेरामिवीर, बलोक्साविर, ठीक है, बैलोक्साविर, इनसे ये बीमारियां हैं, सॉरी ये दवाइयां हैं जिनसे ट्रीट किया जा रहा है, ये मेडिकेशंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। बट अगेन फिजिशियन, जब डॉक्टर आपका बोले कि ये खाना है तभी खाएं, खुद से ना खाने लग जाएं। और एंटीवायरल मेडिसिन्स बिल्कुल प्रॉपर डोज में लेना है जितना आपको डॉक्टर ने कहा है, ठीक है। और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं प्रॉपरली अक्टूबर एंड तक वैक्सीनेशंस करवा लेनी चाहिए। हाथ का हाइजीन रखें, बार बार धोएं अगर बाहर जा रहे हैं, क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करें, फिर भी जाना पड़ रहा है तो मास्क यूज़ करें, कम जो लोग बीमार हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, सेल्फ क्वारंटीन करें, अगर बीमार हैं तो थोड़े बाकियों से अलग रहें। फिर वही जो भी कोविड के टाइम पे थे, हाथ धोएं, कवर करें नोज़ को, ऑल द डूज एंड डोंट्स यू ऑलरेडी नो देम, कोविड में हमने बहुत देखा। बट अगेन ये बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ICMR बोल रहा है एंटीबायोटिक्स डॉक्टर को पूछे बिना मत खाएं। तो अभी फिलहाल ये कोल्ड कफ इस केस में हो रहा है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अवॉइड एंटीबायोटिक्स ये पूरा नोटिस भी निकाला था, बहुत लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे थे। अगेन आई वुड से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो हमने स्टार्टिंग में बहुत बार पढ़ा है कि अवॉइड एंटीबायोटिक्स, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है बिकॉज इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। तो जब एक्चुअल में आपको दवाई की ज़रूरत होगी तब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, इसलिए उनको मत खाइए बिना पूछे। दैट इज़ इट। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अगेन 20% डिस्काउंट आया, यू कैन यूज़ द कोड VIROUPSC। हमारा बैच 2024 के लिए शुरू हो रहा है, यू कैन यूज़ द VIROUPSC। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत से टीचर्स मिलते हैं और अभी हमने बहुत फ्री ट्रायल भी दिया था। तो यू कैन से किस लेवल का प्रिपरेशन आपका अनअकैडमी के साथ हो सकता है। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, पाथफाइंडर के साथ क्रैश कोर्स कर सकते हैं, कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं, 0% EMI पे आप कोर्स खरीद सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कीजिए। EPFO का रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो नोटिफिकेशन आया, बहुत सस्ते में आपको कोर्स मिल रहा है, वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।